गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ में एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट सम देखिए। इसमें लिखा है रंगीन अंकों का स्थानीय मान। स्थानीय मान मीन्स होता है प्लेस वैल्यू, जो हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ओके, आप लोग छोटे हो तो उस हिसाब से आपको बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे। देखिए, हमें आपको वर्ष और पेन समझाते हैं ना। वर्ष किसको कहते हैं, पेन किसको कहते हैं, बोला था ना। वर्ष इधर वाली से इधर वाला अंक हमारा वंस होता है, इधर वाला अंक हमारा जो जीत होती है वो टेंथ होता है। बताया था ना, बताया था। जैसे ये हमारा वंस है, ये हमारा टेंथ है। टेंथ के बाद जितने डिजिट होती है उसमें ही जीरो हम लगाते हैं। रंगीन रंगीन तो है, तो जिसके अंडर लाइन है हमको उसी का प्लेस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमने बताया आपको वंस और टेंथ में टेंथ के पीछे जितनी डिजिट होती हैं, अगर हमको टू डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो वन ये और टेंथ ये हो गया। तो टेंथ के पीछे कितनी है डिजिट, टेंथ के पीछे हमारी कितनी डिजिट है, वन डिजिट है ना। तो कितने जीरो, वन जीरो लगते हैं। कितने जीरो, वन जीरो लगते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये है बाई, तो नाइन हमने लिख दिया। जब नाइन का निकालेंगे तो नाइन में हम क्या करेंगे, फाइव को मिलना चाहिए लेस कर दो। नाइन्टी में फाइव को लेस कर दो तो कितना हो गया, नाइन्टी बचेगा। तो नाइन्टी हमारी क्या होगी, इसकी प्लेस वैल्यू होगी। मतलब इस टेंथ के पीछे जितने वर्ष होते हैं, वर्ष वन डिजिट है तो वन ही हम इसके जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक, देखिए वन लिख नाइन है तो हमने नाइन लिख दिया। ठीक, नाइन के पीछे कितने डिजिट, वन डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो लगेंगे, वन जीरो लगेगा। क्या लगेगा, वन जीरो। आप लोग छोटे बच्चे हो, क्लास फर्स्ट के बच्चे, इसलिए बिल्कुल इस ढंग से सुनिए। टेंस के पीछे जितने जितने जब हम देखेंगे, अगर इसमें हमको टेंस की वैल्यू निकालनी है तो टेंस के पीछे वंस है तो वंस जीरो लग जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ये वंस है, ये टेंस है, इसमें वंस लगाना है क्योंकि वन के पीछे कोई डिजिट नहीं है तो कोई भी जीरो नहीं लगता है। ओके, देखिए इसके हमने निकाला क्या होगा, इसकी प्लेस वैल्यू 90। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी, 90। इसकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, इसके भी 7 के पीछे लगी नहीं, 7 के पीछे कोई भी डिजिट नहीं लगा है तो इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू 7। यहाँ हम कर देंगे 7 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 बन जा 7 ही आता है। ओके, इसमें देखिए इसमें हमको 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 3 की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बताइए 3 की निकालनी है तो हम सबसे पहले 3 को ऐसे लिख लेंगे और फिर ये देखेंगे 3 टेंस के पीछे वंस है कि नहीं। जब वंस है तो हम यहाँ पे 1 0 लगाएंगे। जब टेंस के पीछे वंस है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको सिर्फ 2 डिजिट की प्लेस वैल्यू निकालनी है, हमें स्थानीय मान निकालना है। तो 3 के पीछे 1 है, 1 टेंस है तो टेंस के पीछे वंस है, क्या हम लगा देंगे यहाँ पे 0। मीन्स अगर आपके 2 डिजिट में जिसकी पूछेंगे, अगर वंस की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वंस के बाद कोई डिजिट होती नहीं तो उसको सेम इक्वल ऐसे ही राइट कर देंगे। और देन अगर आपकी टेंस की पूछेगा तो टेंस के पीछे वंस है तो वंस में 1 0 हम उसको कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब देखिए अब इसमें आपको 4 3 में निकालना है तो 4 की प्लेस वैल्यू है नहीं, अब निकालना नहीं है तो किसकी निकालनी है, 3 की निकालनी। तो जब आपकी 3 की निकालनी होगी तो 3 बन जा 3, ये आपकी क्या होगी, 3 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। समझ में आ गया। ठीक, या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या 90 प्लस 5 95 होता है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 5 को लेस कर देंगे तब भी 90 आ जाएगा। 27 इसमें हमने 7 प्लेस वैल्यू निकाली है, 7 होता है इसमें 3। तो टेंस के पीछे 1 है तो 1 की जगह 1 0 राइट कर देते हैं और 3 को ऐसे कर दें तो 30 की प्लेस वैल्यू हो गई। इसमें क्या 4 3 43 है तो 3 की प्लेस वैल्यू निकाली है तो 3 बन जा 3, इसको हम राइट डाउन कर देते हैं। ये हमारे क्या इसका आंसर हुआ।
अब देखिए सेकंड नंबर देखते हैं, प्रसारित रूप में लिखिए। जब दो डिजिट को हम अलग अलग करते हैं तो वो हमारा क्या जाता है, प्रसारित रूप हो जाता है। ठीक, मीन्स वंस एंड टेंस, जिसको हम इकाई और दहाई भी कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे ये आपका ब्लॉक बना है, यहाँ पे क्या बने, ब्लॉक बने ना, तो यहाँ पे दिया हमारा टेंस। ठीक, ये देखिए ये हमारा दिया है टेंस। ठीक, फिर इसको प्लस कर दिया, ऐसे इसको हमने प्लस कर दिया, फिर ऐसे आपका ब्लॉक है। Thank you।